कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी देश में बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि मैजिक ट्रेन चला रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि मोदी देश में बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि मैजिक ट्रेन चला रहे हैं जो कभी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर देश में कभी बुलेट ट्रेन चलेगी तो वो कांग्रेस सरकार की ओर से ही शुरू कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। मोदी ने देश के गरीबों का पैसा देश के 5 उद्योगपतियों को बांट दिया है। आम आदमी महंगाई से परेशान है। राहुल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और वो हमारी जमीन हथियाने की योजना में लगा है।